हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, ये अभी हमें अभी कुछ नहीं करना है। ये मैंने बात कही थी तो उसका उपयोग खराब हुआ। मेरे को तो कोई कहता है तो पता लग गया, मेरे लक्ष्य नहीं जाता इतना, मैं समझता ही नहीं कि इतना दुरुपयोग हो जाएगा। मेरे से आकर किसने कहा कि हमें कुछ करना ही नहीं है, भाई मैंने ये करना नहीं, ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि जैसे नित्य नेम के लिए बैठे हैं, अब भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा मन लगाते हैं, तो इस समय में कोई काम आवे तो भी अभी नहीं, अभी नहीं। अगर काम जाना है वकील से मिलना है, वैद्य से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये बात आवे ना, तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आधा घंटा घंटा जितने देर है तो अभी नहीं, ये पीछे करेंगे, ये मैंने कहा था। अब करना करना ही, करना ही नहीं है, और सब कुछ करना है, परंतु अभी वर्तमान में अभी नहीं, ये सोचते अभी नहीं, अभी काम नहीं ना, अभी तो नित्य करेंगे वजन पाठ सब करेंगे, अभी अभी नहीं, ऐसा नहीं तो वो बात आती रहेगी, कहो उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, क्या अभी नहीं, आध घंटा घंटा जो बैठे हैं अभी नहीं, अभी तो केवल परमात्मा मन लगाना, अभी तो बस इतने, ऐसे हो जाए शांत हो जाए। अब कुछ आवे न आवे मन में परवाही मत करो उसकी, उदासीन उदासीन गुणे जीवन विचार, उदासीन 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 तभी बैठा रहे। तो ये बात कुछ हाथ लगी है कि नहीं, किसी आई हो तो बताओ, बाधा आई तो पूछो, पूछो पूछो बात। थोड़ा दिन रहा है अभी सत्संग करने का, अब फिर हम तो चल देंगे, आप लोग फिर कब दर्शन होंगे भगवान जाने, पता है नहीं, कुछ भरोसा नहीं। तो ये बात एक ले रहे हैं, एक चीज हासिल कर लें तो बढ़िया चीज है, जैसे धन कमा लेता है तो मनुष्य हाथ लग जाता है, इतना धन हाथ लग गया, इस तरह से सत्संग के द्वारा ये एक चीज ले लें तो बहुत बड़े लाभ की बात है। मन लगाना इतनी दामी नहीं है, एक चीज में मन लगा देना बड़ा कठिन मन लेता है, और लाभ उतना नहीं है जितना इसमें लाभ है, मन लगाने से ऊंची बात है ये। शंका हो तो बोलो आप, इसी पर और बात न छोड़ो, कृपा ना तो और बिल्कुल मत छोड़ो भी, और बिल्कुल मत छोड़ो, ये एक ही बात ठीक निर्णय हो जाए, इस पर विचार रखो, और कुछ मत छोड़ो, और ईश्वर चिंतन करो। मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर चिंतन करो, मैं ईश्वर चिंतन नहीं कहता हूँ, आप ईश्वर चिंतन करो, करो जब करो, कीर्तन करो, मर्जी आज करो, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ना ईश्वर करना है, ना संसार का करना है, ना कुटुंब का करना है, ना रुपयों का करना है, किसी का कुछ भी चिंतन करना ही नहीं है। मैं देखो कह चुका हूँ कि मैंने इस विषय में कुछ किया है, अभ्यास किया है, पुस्तकें पढ़ी है, उनके अनुसार चेष्टा की है, वे करने से मेरे को जो सार चीज मिली है वो मैं कहता हूँ। आप ईश्वर चिंतन करो, मैं विरोधी नहीं हूँ, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मैं अभी मैं कह रहा हूँ उसमें तो कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी की चिंतन न करें, ना ईश्वर का करें, ना संसार का करें, ना जड़ का करें, ना चेतन का करें, ना आत्मा का करें, ना अनात्मा का करें, ना प्रकृति का करें, ना ब्रह्म का करें, कुछ भी चिंतन न करें। बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत ही उत्तम है, कुछ चिंतन न करें। अब चिंतन होता है, उस होने में तीन बात मैंने कही है, एक तो अपने में होता है, मेरे होता है, ये न माने, अपने में नहीं होता है, ये मन बुद्धि में होता है, ये अपने में है चिंतन, ये न माने। एक वो चिंतन है जिसमें राजी न हुए, एक नाराज न हुए, मन अच्छा हुआ, ये मंदा हुआ, ये भी ना करें, अपना है ही नहीं, क्या सर क्या मंदा, अपना है ही नहीं, अपने कोई संबंध ही नहीं है। इतनी बात मेरा विश्वास बेशक कर रहे, मैं धोखा नहीं देता हूँ, साफ कहता हूँ, बहुत बड़े लाभ की बात है, ये मामूली लाभ की बात नहीं है, बहुत बड़े लाभ की बात। तो एक बात कहता हूँ कि संसार है ये हरदम बदलता है, ये बात आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, इसमें शंका नहीं है ना, हरदम बदलता है संसार, सच्ची बात है, शरीर है, संसार है, सब बदलता है, केवल बदलने ही बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ निरंतर बदलने में भी हम राग कर लेते हैं,
अच्छा और मंदा कर लेते हैं तो हम बंध जाते हैं। बर्तन है नहीं, उसके साथ ही संबंध जोड़ने से हम बंध जाते हैं। मन वो संबंध सिद्ध हो जाता है, पाप और पुण्य बढ़ जाते हैं और अनेक जन्म हो जाते हैं। नहीं होते हुए चलते हुए परिवर्तन में भी मन लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे जन्म मरण हो जाता है। अब इसके साथ न होते हुए साथ में संबंध जोड़ ले तो हमारे जन्म मरण होता है। एक तत्व परिपूर्ण है, सब जगह मौजूद, सब जितने दार्शनिक है सब मानते हैं कि एक तत्व है। मैं कहूँ वो तत्व ऐसे मानकर आप चुप हो जावे, उसमें स्थित होने से स्थिति नहीं होगी और न स्थिति है न गति है, कुछ भी नहीं कर चुप हो जाए तो उसमें स्थिति होगी आपकी। नाशवान में भी जोड़ने से जन्म मन होते हैं, कई कर्म बढ़ जाए, अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है, उसके साथ आपका संबंध होगा तो कितनी ऊंची होगी जगह जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। ऐसी असीम तत्व है वो, ऐसे असीम तत्व की बात। वो तत्व आप पकड़ में आ जाए आपके, ये मैं चाहता हूँ। नहीं होता हुआ भी संसार में मन लगने से बंधन हो गया, जो नित्य निरंतर सदा है, जो का त्यों मौजूद है, उसमें आपकी खुद की स्थिति हो जाए तो कितना लाभ होगा। वो स्थिति करने से स्थिति नहीं होगी, ना चिंतन होगी, ना स्थिति करने से होगी, ना रुकने से होगी, नहीं होगी। योग वृत्ति निरोध योग दर्शन छह दर्शनों में एक योग दर्शन है, पांच दर्शनों में छठ दर्शन है एक, उसमें चित्त वृत्तियों के निरोध की बात बताई। चित्त की वृत्ति निरोधी, निरोध हो जाने से तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम यता है, अथा तो अथ अथा तो योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम इति सूत्र है दर्शन का आरंभ का ही। तो दृष्टा में स्वरूप में स्थिति होती है कब के चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर। फल में गीता ने वो बात बताई है जो निरोध होने पर जो स्थिति होती है वो स्थिति सीधी बताई है गीता ने। गीता का योग पातंजलि योग दर्शन से बहुत विलक्षण है। आपके शंका हो तो कोई पूछने का विवेचन कर मैं बता दूंगा, बहुत विलक्षण योग है। उस योग की बात आपको मैंने कही है। हाँ, निद्रा आ जाए, वो कल बात कही थी मैंने, निद्रा आ जाए तो उस समय में इस अभ्यास को न करें, उस समय में नाम जप करो, कीर्तन करो और खड़े होकर थोड़ा टहल लो। अगर इसी साधन को करना हो तो थोड़ा खड़ा हो करके नाम जप करते हुए घूम लो, दो चार मिनट चक्कर लगा फिर बैठ जाओ, उसमें नींद नहीं आवेगी। ऐसा ठहरने से चित्त की वृत्तियां बहुत शांत होती है। अच्छा, वो अलग कैसे होगा, क्या उपाय है? तो आप पहले योग कीजिए, मेरी बात पहले मत कीजिए, पहले योग का अभ्यास करो। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठोस बात है, पक्की एकदम। आपके करना हो तो आप वो करके कीजिए, आप पहले मत कीजिए। मैं धोखा नहीं देता हूँ आपको, विश्वासघात नहीं करता हूँ। अब वह किए मैंने पैसे नहीं हो गए, वो मैं सिखाऊ नहीं, पहले वाली बात सिखा दू, रीता रह जाओ दोनों से, वो तो करते नहीं, वो होता नहीं, जयराम जी जी ये धोखा नहीं दे रहा हूँ मैं। मैं इन बातों को जानता हूँ, अभिमान की बात है। आप कही है मैंने कि मैंने इन बातों को पढ़ा है, सुना है, समझा है और जान कर, मेरी दृष्टि में जान कर उसे पूछा है, प्रश्नोत्तर किए है, इसमें मैंने किया। इस वास्ते ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से, ऐसा नहीं है, सीधा ही हो जाता है। मेरी एक धुन है, आप कृपा करके सुने, मैं अभिमान की नहीं कहता हूँ पर अभिमान की बात है, मैं अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ, आप लोगों से क्षमा मांग करके नम्रता से कहता हूँ कि ये बातें जितनी होने से होता है ठीक बात है, परंतु मेरी एक धुन है क्या कि जल्दी से जल्दी और हरे का कल्याण कैसे हो।